गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 3rd EVS स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 14 मैपिंग नेबरहुड इसे रीड करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे आस पड़ोस का मानचित्रण। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, ऊपर आपको दिया गया है डायरेक्शंस। आप सभी जानते हो डायरेक्शंस क्या होती हैं, दिशाएँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस फॉर लोकेटिंग अ प्लेस। देखो, आपको किसी भी एक जगह का पता लगाना है, आप एक जगह ढूंढ रहे हो, आप उस जगह का पता लगाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखो, जैसा कि पिछले क्लासेस से भी आपने पढ़ा है, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये 4 मेन डायरेक्शंस है जो कि हमें मैप्स में, नक्शों में भी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा मैप्स में ये डायरेक्शंस भी लिखी होती हैं। देखो, इस तरीके से मैप्स में डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं। आगे देखो कंपास। देखो, ये कंपास की पिक्चर है। कंपास क्या है? अ कंपास इज़ अ डिवाइस विच हेल्प्स इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। जो कंपास है वो एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो हमें दिशाओं का पता लगाने में मदद करता है। इसकी मदद से हम दिशाओं को ढूंढते हैं। इसे दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। जो इसकी निडल होती है, सुई होती है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है। तो इससे हम डायरेक्शंस को पता लगा पाते हैं, उन्हें ढूंढ पाते हैं। डायरेक्शंस आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखो स्केच। स्केच होता है आपका एक रेखा चित्र। अब हम स्केच के बारे में पढ़ेंगे। अ स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। ये एक किसी भी जगह की एक रफ ड्राइंग होती है। इट यूजुअली हैज़ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स। और इसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पर जो ज़रूरी लैंडमार्क्स होते हैं वही होते हैं। अब लैंडमार्क्स क्या होते हैं आपके, देखो आपको कोई जगह पता करनी है, आप किसी जगह जा रहे हो और आपको वहाँ पे जाने के लिए आपको रास्ता पता नहीं है, आप किसी से पूछते हुए जाते हो, तो आप लैंडमार्क्स बताते हो कि उस जगह के पास एक मंदिर है या एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है। तो ये जो आपने जो हिंट बताया, उसे जो चीज़ों के नाम बताए उस जगह तक पहुँचने के लिए, वो सभी आपके लैंडमार्क्स होते हैं, सीमा चिन्ह होते हैं ये, जिनसे कि हम किसी जगह को आसानी से ढूंढ पाते हैं। तो देखो, स्केच पे आमतौर पर बहुत से लैंडमार्क्स बने होते हैं, जो ज़रूरी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सभी लैंडमार्क्स स्केच पे होते हैं। लैंडमार्क्स आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दैट सर्व एज अ गाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लैंडमार्क्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट जगह होती है, वो जो हमें, हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ का जो हमारा एक एज अ गाइड काम करते हैं लैंडमार्क, हमारा मार्गदर्शन करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि देखो, आप किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो अपने, और आपको ये पता है कि मेरे फ्रेंड के घर के पास एक हॉस्पिटल है या एक क्लिनिक है या एक स्कूल है, कुछ भी है एक ऐसा, तो आपको उसे घर का रास्ता बताने आप कभी गए नहीं हो, तो आप किसी से पूछते हुए जा रहे हो, तो आपकी हेल्प वो लैंडमार्क ही करेगा। उसकी मदद से आप वहाँ तक पहुँच पाओगे कि देखो ये स्कूल है, स्कूल का नाम ये है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मेरे फ्रेंड का घर है। तो आपको उस स्कूल के नाम से, उस क्लिनिक के नाम से, जो हॉस्पिटल है, कुछ भी चीज़ आपके फ्रेंड के घर के पास है, उसकी मदद से आप वहाँ तक पहुँच जा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें होती हैं लैंडमार्क्स, ये सभी जगह है आपकी लैंडमार्क्स। समझ में आया बच्चे लैंडमार्क्स क्या होते हैं? देखो, एग्जांपल के लिए भी आपको दिया गया है, पोस्ट ऑफिस, अ पार्क, अ मॉन्यूमेंट, ये सभी आपके लैंडमार्क्स होते हैं। इसमें आपका स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, ये सभी आपके लैंडमार्क्स होते हैं। तो ये आपको गाइड करते हैं कोई जगह ढूंढने के लिए, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। इन अदर वर्ड्स, लैंडमार्क्स आर यूज एज रेफरेंस पॉइंट्स टू स्पेसिफाई लोकेशन एंड डायरेक्शंस। तो इस तरीके से जो लैंडमार्क्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सभी को लैंडमार्क समझ में आया अच्छे से? चलो आगे देखो प्लान। प्लान होता है आपका जो हम एक योजना बनाते हैं, खाका बनाते हैं, ये वो प्लान है। अब देखो, किसी कॉलोनी का या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का प्लान बनाया जाता है। देखो यहाँ प्लान की पिक्चर भी दी गई है आपको, ये एक प्लान है। पहले हम प्लान के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इस पिक्चर को एक्सप्लेन करूँगी। अ प्लान इज़ अ स्केच ऑफ प्लेस मेड बाय व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। जो प्लान होता है वो एक स्केच होता है किसी जगह का, जो कि हमें ऊपर से दिखाता है, मतलब उस, हम उसे देखते हैं तो हमें ऊपर से वो नज़र आता है। जैसे कि देखो यहाँ बना हुआ ये प्लान, ये टॉप से हमें दिखाई देता है। तो इसमें देखो यहाँ बनाया गया है ये प्लान, आपका लोकेशन प्लान है ये, एक सुलभ आवास योजना, शताब्दी नगर है कॉलोनी, उसका ये प्लान है। इसमें देखो आपको यहाँ पे देखो ये टेंपल है, ट्रीज़ हैं,
और देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, तो ये सभी आपके लैंडमार्क्स बना करके इस प्लान को बनाया गया है। देखो ये स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ जा रही हैं, तो ये होता है आपका प्लान। समझ में आया बेटा? अ प्लान हेल्प्स अस टू लोकेट हाउसेस, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। जो प्लान होते हैं वो हमें घरों को और बिल्डिंग्स को ढूंढने में मदद करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एक खास जगह की, किसी एक खास जगह पे हमें घर या बिल्डिंग कोई ढूंढनी है तो उसे ढूंढने में ये प्लान हमारी हेल्प करता है। इन मोस्ट कॉलोनीज द प्लान ऑफ अ कॉलोनी इज डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। बहुत सी कॉलोनीज में क्या होता है, जो ये प्लान होता है ये एंट्रेंस पे ही लगा होता है। इस प्लान की पिक्चर, पूरी कॉलोनी का जो प्लान है उसकी पिक्चर एंट्रेंस पे लगी होती है। जो प्रवेश होता है, जो एंट्री होती है, वहीं पे इसकी पिक्चर लगी होती है, जिससे कि कोई भी नया आदमी आया जिसे पता नहीं है इस कॉलोनी के बारे में और वो ढूंढ रहा है कोई घर या किसी जगह वो जाना चाहता है, किसी के घर जाना चाहता है, उसे पता नहीं है रास्ता, तो प्लान उसकी हेल्प करता है वहाँ तक पहुँचने में। समझ में आया बेटा? चलो अब आगे देखो। मैप। अ मैप इज़ अ ड्राॅइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ऑन अ फ्लैट सर्फेस। जैसा कि देखो क्लास टू और टू में भी आपने पढ़ा है, मैप जो होता है वो ड्राइंग होती है, एक बड़े से एरिया की ड्राइंग होती है एक फ्लैट सरफेस पे। जैसे कि देखो ये मैप की पिक्चर है, ये एक फ्लैट सरफेस पे एक समतल सतह पर ड्राइंग बनाई गई है। देखो इंडिया का मैप है, पूरे इंडिया देश की, पूरी कंट्री की एक ड्राइंग बनाई गई है एक फ्लैट सरफेस पे। तो ये है आपका मैप। अ मैप शोज द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। मैप में हम जो अलग अलग जगह हैं उनकी लोकेशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल अ मैप ऑफ आर नेबरहुड विल शो वेयर डिफरेंट शॉप्स आर लोकेटेड। जैसे कि देखो उदाहरण के लिए आपको बताया गया है, आपके जो नेबरहुड का आस पड़ोस का जो मैप है वो आपकी हेल्प करेगा, उसकी मदद से आप जो आपके घर के आसपास जो शॉप्स हैं उन्हें ढूंढने में। तो मैप आपकी मदद करता है कोई भी जगह, कोई भी जहाँ आप जाना चाहते हो, कोई भी किसी भी जगह को ढूंढने में मैप हमारी मदद करता है। आगे देखो। सिमिलरली अ मैप मे बी ऑफ एनी सिटी, कंट्री और द होल वर्ल्ड। देखो इसी तरीके से जो मैप होते हैं वो किसी सिटी के, शहर के भी हो सकते हैं, कंट्री के भी हो सकते हैं और पूरे देश के भी हो सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आके दिया गया इंडिया एक कंट्री का मैप है, ऐसे एक पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया का ही मैप होता है, एक शहर का ही मैप होता है। अब देखो ये इंडिया का मैप है, इसमें अलग अलग स्टेट्स जो इंडिया में हैं उनकी लोकेशन बताई गई है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं वो है। देखो इसमें डायरेक्शन भी होती है। अब देखो इससे मालूम चलता है जो ये है आपका, ये जितनी भी स्टेट्स है ऊपर वाले डायरेक्शन में पड़ी थी, नॉर्थ है ये, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो कौन सी स्टेट कहाँ पर है उसका पता हम मैप की मदद से लगा पाते हैं। समझ में आया बच्चे? अब देखो आगे। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, एक मैप की किताब, उसे कहते हैं एटलस। याद रखना अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस होती है मैप की बुक्स, मैप्स की बुक। आगे देखो। मैप्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। जो मैप होता है वो हमें जानकारी देता है दो जगहों की दूरी के बारे में, कि जो दो जगह है उनके बीच में कितनी दूरी है। बट द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप। पर जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है, बिल्कुल जो करेक्ट दूरी होती है, वो मैप में शो नहीं करी जाती। बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही सही दूरी मैप में शो नहीं करी जाती। सो स्केल इज़ द नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स। जैसे देखो यहाँ पे एक स्केल आपको दिया गया है। मैप में क्या होता है, आपको जैसे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाया गया है, तो उस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब है 100 किलोमीटर। तो आपको याद ये रखना है कि अगर मैप में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है तो वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं है। देखो आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा होता है, तो क्या इतनी सी दूरी होगी? नहीं, उस 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर। तो ऐसे ही अगर देखो यहाँ 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो इसका मतलब हुआ 700 किलोमीटर। समझ में आया आपको? तो मैप में देखो ऐसे डिस्टेंस का एक स्केल होता है, तो आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब है 100 किलोमीटर। आगे देखो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आता है तो वो हुआ 1000 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप जो दूरी होती है दो जगहों के बीच की, वो मैप की मदद से पता लगा बात लगा सकते हो। लेकिन उसमें बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं लिखा होता, तो ये स्केल है जो आपकी मदद करता है। 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर। ऐसे ही देखो जितने सेंटीमीटर की दूरी होगी आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी दूरी निकल आएगी।
आगे देखो, सिंबल्स ऑन अ मैप। देखो मैप में कुछ सिंबल्स होते हैं, संकेत होते हैं, उन संकेतों से पता चलता है बहुत सी, मतलब वो संकेत हमें बहुत सी चीज़ें बताते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ है। तो देखो वो सिंबल्स क्या हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। सिंबल्स आर द करेक्टर्स, लेटर्स और सिमिलर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यूज ऑन अ मैप टू इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट और करेक्टर्स इन द रियल वर्ल्ड। देखो जो मैप्स में सिंबल्स होते हैं उन्हें करेक्टर्स में, लेटर्स में, किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी इस्तेमाल करा जा सकता है। तो जो कि हमें ये बताता है कि इस जगह पर ये चीज़ है। लाइक देखो आपको दिखाया गया, यहाँ मैं दिखाती हूँ, वेट। देखो जैसे कि ये सिंबल्स बने हुए हैं, देखो मैप में ऐसे सिंबल बना हुआ होगा। अगर ये सिंबल होगा तो इस सिंबल का मतलब होता है ये रेलवे लाइन है, कि यहाँ से रेलवे लाइन जा रही है। अगर देखो ऐसा सिंबल बना हुआ हो स्ट्रेट सा, तो यहाँ पे रोड है। इस सिंबल का मतलब है रिवर है, और इसका मतलब है वेल है, कुआ है। इनका मतलब है यहाँ पे टेंपल, चर्च, मॉस्क्यू है। इन सिंबल्स का मतलब होता है ट्रीज और ग्रास, और इन सिंबल्स का मतलब है कि इस जगह पर फॉरेस्ट है। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ संकेत होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी जगह है, क्या चीज़ें हैं। समझ में आया? तो इन सिंबल्स को हमें देखकर, इनकी पिक्चर को देख के इन्हें पहचानना होता है। चलो अब आगे देखो, अब है आपका मैप की। मैप की क्या होती है? मैप कीज टेल अस व्हाट अ सिंबल ऑन द मैप स्टैंड्स फॉर। जो मैप कीज होती हैं वो हमें ये बताती है कि मैप्स में जो सिंबल्स बने हुए हैं उनका मतलब क्या है। और मैप्स की जो होती हैं वो हमें मैप को पढ़ने में हेल्प करती है, आसानी से, अच्छे से हम मैप को ढंग से रीड कर पाते हैं मैप कीज की हेल्प से। देखो जैसे अभी नहीं हमने पढ़ा, हमने सिंबल्स पढ़े, अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है ये देखो। ये मैप की से जाना हमने, मैप की में हर सिंबल का मतलब लिखा होता है। तो ये होती हैं आपकी मैप कीज। तो सिंबल्स और मैप कीज दोनों समझ में आया आपको? चलो अब नेक्स्ट देखो, वी कैन ऑल्सो यूज डायरेक्शनल वर्ड्स एज राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट, इन फ्रंट, ऑफ और बिहाइंड टू गाइड अ पर्सन टू अ प्लेस। अब देखो इसके अलावा, ये हमने जो पढ़ा मैप्स वगैरह के अलावा, हम डायरेक्शनल वर्ड, दिशाओं, जो दिशा संबंधित शब्द होते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान को कोई जगह ढूंढने में मदद करने के लिए, एज अ गाइड। तो देखो किसी ने हमसे कोई रास्ता पूछा और हमें उसे रास्ता बताना है, तो हम उसे यही कहते हैं आप स्ट्रेट जाना, फिर आप जो फर्स्ट लेफ्ट कट आएगा फिर लेफ्ट जाना, फिर आप अगेन स्ट्रेट जाना, फिर राइट जाना। तो देखो हमने डायरेक्शन की मदद से, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बिहाइंड, मतलब डायरेक्शन की मदद से उसे बताया कि किस तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन तक, जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो इनके अलावा हम डायरेक्शनल वर्ड्स, जो दिशा के शब्द होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को कोई जगह बताने के लिए। ओके बेटा, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे।